गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गल्फ पाकिस्तान से आपका परमेश मोहम्मद हादी। दोस्तों आज का सवाल बहुत ही अहमियत होने वाला है। आज का हमारा सवाल है, लोगों से जाके पूछेंगे कि सबसे पहले आपको घर में किसने मारा है, तो लोग बताएंगे अपने मुख्तलिफ अंदाज से। लोगों से जानते हैं सवाल, तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। वालेकुम अस्सलाम, क्या करने हैं यहाँ पे आप? इंजॉय करने आए भाई जन। कहाँ पे इंजॉय करने हैं? लारेंस गार्डन है। मैं भाई जन लारेंस से आया था। लारेंस से आया जी भाई। बच्चों को लेके, फैमिली को लेके? जी भाई जन। कैसा इंजॉय हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। किस जगह से हैं? मैं भाई जन राजगढ़ से। राजगढ़ से जी। तो आप मुझे, आपसे एक सवाल है कि आप मुझे बताएं, आपको घर में सबसे छोटे होते हैं ना, सबसे पहले किसने मारा, ज्यादा किससे मार पड़ी? यार बचपन भी की बात तो किसी को भी नहीं याद होती। बहरहाल जब बड़े हो गए थे, टू क्लास में, थ्री क्लास में थे, उस टाइम जो है ना वालिद साहब ने मारा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। किस बात से मारा था? बस वो शरारतें करते थे, इस वजह से। क्या शरारत हो गई थी आपसे? वो शरारत ये थी, क्रिकेट खेलने गए थे। अच्छा। तो वो जो है ना स्कूल से गए थे क्रिकेट खेलने, तो फिर लेट हो गए थे, तो उन्होंने जो है ना फिर उस पर जो है ना लेट आने पर उन्होंने मारा था। काफ़ी मारा? हाँ जाहिर बात है, वालदैन अपने बच्चों को बेहतरी के लिए मारते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके साथ ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, इन्हें बेहतरी के लिए अगर हम मारेंगे ना। क्या करते हो आप? क्या नाम है? नाम बताओ। नाम बताओ। हम हादी। हादी, हादी नाम है। मेरा नाम भी हादी है। अच्छा तो मुझे आप ये बताएं कि आप कभी टेस्ट में फेल हुए हैं किसी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी टेस्ट में नहीं फेल। लाइक है आपका? बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक की देन है। देन है। नहीं तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी कोई गलती हुई हो ऐसी कि आपको बहुत आपके ऊपर शर्मिंदगी हुई हो? हाँ, जब नमाज छूट जाती है उसमें शर्मिंदगी होती है कि यार नमाज छूट गई, अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान पैदा किया, ठीक है, और हम शुक्राने के तौर पर हमें नमाज अदा करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हो आप? क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते? अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दो। हो गया आप? दूंगा। क्या आप बताएं? बताता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, आपको छोटे थे सबसे ज़्यादा किसने मारा? मेरे अब्बू ने मारा था। अच्छा, क्यों मारा था? का पर्स निकाला था, तो उसमें पर्स में था 23,000 रुपया था। अच्छा अच्छा, उसने मुझे तीना डांडा के हाथ धो दिए। क्या किया था उन्होंने तुझे? मारा था, लम्मा पा लिया और ऊपर से डंडे मारे। लम्मा पा के क्या क्या किया था? किस किस कौन कौन सी चीज़ से मारा था? ओ, पैप से। पैप से मारा था? तो पैप टूट गया था? पैप टूट गया था। निशान अभी भी पड़े हुए तुम्हें? निशान अभी भी पड़े हैं। अभी भी पड़े हुए। अच्छा तो स्टडी करते हो आप? स्टडी करता हूँ मैं। कौन सी क्लास में? मैं फाइव में हूँ। फाइव में हूँ। तो जी दोस्तों, ये काम भी करता है, ये स्टडी भी करता है, घर में पढ़ते हो किसी के पास? पहले पढ़ता था, अभी छोड़ा हुआ है। छोड़ा हुआ है, लेकिन तुम पेपर देते रहते हो ना? हाँ, देता रहता हूँ। तो कभी टेस्ट में फेल हुए तो मार पड़ी है? बड़ी मार पड़ी हो। कैसे मार पड़ी थी, जरा बताओ सबको। सर ने बोला था किताब पढ़नी। अच्छा। मैंने जो उधर से स्कूल ही छोड़ दिया। स्कूल ही छोड़ दिया? क्या करते थे, स्कूल जाते थे या फुट्टा मारते थे? फुट्टा मारता था और भागता था। फुट्टा मार के कहाँ पे जाता था? घर पे घूमने, ग्राउंड में। उधर ग्राउंड में तो क्या करते थे तुम? तो बूंदी सुंडी करता था। माशाल्लाह, ये स्टडी करते थे तुम, मतलब कि फुटा शुटा मार? हाँ, फुटा शुटा। तुम्हें तो तुम्हारे पापा मारते थे, गलत बात है ना? तुम्हारे पापा बहुत गलती मारे। पापा को क्या कहना चाहोगे? पापा को क्या बोलना भी, बस। या फिर भी कुछ तो कहना चाहोगे पापा को कि मुझे ना मारा करे? हाँ, मुझे ना मारे। और मैंने इसलिए 4 दिन महीना होटल में घर छोड़ा हुआ। घर छोड़ दिया हुआ अपना? जी। तो नाजरीन, ये काफ़ी दिनों से लापता है ये बच्चा, मुझे कह रहा था मेरे घर वालों ने मुझे मार मार के घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाँ। तुम्हारे काम ही ऐसे, तुम्हें घर से निकालना पड़ेगा? मुझे घर से निकालना। तो अब सुलह ये कि नहीं हुई? सुलह हो जाएगी कल परसों। अच्छा मुझे सवाल का जवाब दो, कि घर में सबसे ज़्यादा पहले सबसे पहले किसने मारा? भाइयों ने मारा। किस बात पर मारा? वैसे ही मस्तियों पे। इस बात हो, कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहते हो कि आपसे गलती भी नहीं, आपको नजायज ही मार पड़ गई? ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं, गलतियां करते थे? गलती तो होती है। क्या गलतियां करते? सच्चे बताओ। गलतियां बहुत की। बता दो आज अपना डांस स्कूल का। बस गलतियां बहुत की हैं, बस उस वजह से। और मैं आपको कौन कौन सी गलती बताओ? आप कोई भी गलती बता दो जो बताने वाली हो। गलतियाँ बहुत है ना, टाइम लग जाएगा बहुत। बताओ एक गलती बता दो, एक गलती ऐसी बता दो जिसमें सबसे ज्यादा मार पड़े। ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जो किया ना हो। क्या नहीं किया? सब कुछ बता दो, बता दो।
अब बहुत कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा। हमजा क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो हमजा? तो हमजा मुझे एक सवाल का जवाब दो, आपको छोटे थे सबसे ज़्यादा किसने मारा था? बस वाला साहब ने मारा और किन्होंने मारा? अच्छा जी, और किस किसने मारा? बस वालदा ही वालदा होते हैं। नहीं तो क्या गलती हुई थी आपसे? बस बचपन में गलतियाँ हो जाती हैं, बच्चों से फिर कूटी पड़ती है। सबसे ज़्यादा मार पड़ी हो अगर आपकी इसमें टांग टूट गई हो ना, मुँह आपका सूज गया हो, उसके अलावा हाथ पाँव आपके टूट गए? अल्लाह का शुक्र ऐसा तो उन्होंने कभी मारा ही नहीं है। ऐसे कभी नहीं मारा वैसे, लेकिन जब गलत हरकतें करें तो फिर तो मालूम मारते ही होते हैं, मजबूर हो गए। ऐसे तो कोई मारता भी नहीं। कई जिंदगी में गलत हरकत की है, सच सच बताना है? सच सच गलत हरकतें तो बचपन कोई ऐसी हरकत हो जो बताने वाली हो बता दो। बस जब स्कूल में जाते थे कभी मास्टर को छेड़ना, मास्टर ने हमें ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखवाते हो ना, हमने पीछे से वो क्या उसको कहते हैं कापी के पेज फार के उस क्या हमने चीट के उनके सिर पे मार दिया। उन्होंने कहना किसने मारा है। अच्छा। फिर किसी का नाम लगा देना, किसी का लगा देना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। किसी ने वॉशरूम में जाना उसको उसके बैग में लेके जाने पटाखे पटाखा जला देना। मिसो ने भी भाग जाना। हेडमास्टर भी कहते थे यार आप लड़कियों का लंच भी खाते हो? लड़कियाँ आती होती थी लड़कियों में के बैग छुपा देने, उन्होंने फिर सर कपताना, सर के बाद फिर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाना, फिर उधर लड़ाई जारी हो जाती थी। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।